अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने का कांग्रेस आलाकमान का फैसला उसके ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया है। पार्टी के इस फैसले ने मध्य प्रदेश में उसकी जड़ों को हिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से लेकर मार्च के अंत तक 20,500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। उनमें से अधिकांश का यही कहना है कि वो राम का अपमान सह नहीं पाए। इनमें से कई तो ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि एक तो यूपीए सरकार में रक्षा मामलों के राज्य मंत्री तक रहे। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। और फिर सबसे बड़ी बात तो एक है यार, हम हिंदू हैं, भगवान राम की आलोचना करने वालों को हम नहीं बचते और हम सहन नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर का जो शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कराया है, उसका जब निमंत्रण राहुल गांधी जी के पास आया, कांग्रेस पार्टी के पास आया, तो उन्होंने उस निमंत्रण को कहीं ना कहीं उसको ठुकरा दिया। इसी से कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी हुआ है और मन बहुत ही विलंबित हुआ है, उसी के कारण हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हालांकि कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कहना है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा तो एक बहाना है, सत्ता के लोभ और डर के कारण कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी विचारधारा से समझौता किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि राम का अपमान किसी भी दल के सनातनी कार्यकर्ता सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर होगा। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो लालच के आधार पर जा रहा है, जो डील करके जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना है। अगर इन्हें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की बात आ रही है तो शिवराज चौहान नहीं गए तो क्या वो विरोधी हो गए? अगर मोनिका बट्टी रावण की उपासक हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन लोगों को पता करना चाहिए। अगर जीतन राम मांझी एनडीए के अलायंस में हैं, वो कहते हैं श्री राम काल्पनिक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों को विचार करना चाहिए। अगर बिसाहू लाल सिंह जी ऐसे ही बयान देते हैं तो ये सब बहानेबाजी है। मेन कारण है लालच, सत्ता की मलाई खाने की उनकी इच्छा है और उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता कर दिया, यही इसके पीछे कारण। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भगवान राम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच पुराना टकराव है जिसे दोनों ही दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर बहुत लंबे समय बाद अगर कोई अपनी पार्टी का एफिलिएशन चेंज करेगा तो वो क्या कहेगा? वो मोर और लेस, मतलब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखेंगे तो दो ही चीज़ कहता है कि मैं खुश नहीं था या मेरी कद्र नहीं हो रही थी। और अब ये तीसरा एक और अटैचमेंट हम नए वाले जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हो रही है या पॉलिटिकल जो लाइनिंग्स जो आ रही है तो उसमें अब ये वाले बात को भी कांग्रेसी खास तौर से कह रहे हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी का लीडर अगर बसपा में जा रहा है और बसपा वाला अगर राष्ट्रीय जनता दल में जा रहा है तो वो ऐसी बात नहीं कह रहा है, है ना? तो इधर पे मतलब कांग्रेस और बीजेपी का चूंकि आपस में टकराव है और ख़ासतौर से राम वाला जो फैक्ट है उसको इग्नोर ना कांग्रेस कर सकती है और बीजेपी तो मतलब उसके वजूद में ही खड़ी है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि उसको लेकर के डेफिनेटली जितने भी कांग्रेसी जा रहे हैं तो इस बात को बहुत प्राथमिकता के रूप से कह रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला रुका नहीं है। भाजपा की ज्वाइनिंग टोली की नज़र अभी भी कई और ऐसे कांग्रेसियों पर है जो राम के नाम पर आहत हुए हैं या कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल होने की वजह बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी माने, लेकिन इस मुद्दे ने सभी राजनीतिक दलों को ये सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा कि आखिर किसी मुद्दे का विरोध करने से पहले उसे अपने कार्यकर्ताओं की सोच, विचार और भावनाओं को भी अहमियत देनी चाहिए।